कौशल विकास योजना 3.0 के स्किल हब इनोवेटिव के तहत स्किल हब की स्थापना के लिए CBSE द्वारा मॉडर्न स्कूल कोराड़ी रोड का चयन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान मॉडर्न स्कूल की निदेशक नीरू कपई द्वारा दी गई है। इस योजना के तहत सामान्य रूप से स्कूल के बुनियादी ढांचे और विशेष रूप से कौशल्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे का उपयोग गर्मियों की छुट्टियों आदि सहित सप्ताहांत पर स्कूल के समय के बाद बेहतर तरीके से किया जा सकता है। स्कूल हमेशा एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। स्कूल के आदर्श वाक्य श्रमेव पूज्यते के आधार पर मॉडर्न स्कूल जीवन कौशल्य शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, जो छात्रों की एक मजबूत नींव बनाने, सामाजिक दक्षताओं को बढ़ाने और स्कूल के प्राप्त शिक्षा के अतिरिक्त जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करता है। इस योजना के तहत स्कूल द्वारा विभिन्न कौशल्य पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, जो शिक्षकार्थियों के रोजगार कौशल्य को बढ़ाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में उपलब्ध विभिन्न रोजगारों के लिए एक समक्ष कुशल कार्यबल विकसित करने में मदद करेंगे। कौशल्य विकास से बेरोजगारी कम हो सकती है, उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। मैं नीरू कपाई, डायरेक्टर मॉडर्न स्कूल कोराड़ी रोड नागपुर। आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि मॉडर्न स्कूल को CBSE ने प्राइम मिनिस्टर कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत मॉडर्न स्कूल को CBSE ने स्किल डेवलपमेंट का हब के तौर पे चुना है। इसका मतलब ये कि ये पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर रहेगा और यहाँ हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को तो ट्रेनिंग देंगे ही देंगे, लेकिन इसकी ट्रेनिंग स्कूल के ड्रॉपआउट्स और बाहर में जितने भी लोग इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का मकसद ही यही है कि हर इंसान जो शौक और हिम्मत और डिटर्मिनेशन रखता है और ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहता है और सीख के कुछ कमाना चाहता है, उसको मौका दिया जाए। इसमें एज बार नहीं है कोई, 15 से लेकर 60, 70, 80 साल वाला इंसान भी इसमें ट्रेनिंग ले सकता है। और जो हब की वर्किंग है वो स्कूल के टाइमिंग्स के बाद में होगा, मतलब हमें परमिशन रहेगी कि हम सैटरडे संडेज को छुट्टियों में और डेली स्कूल के वर्किंग के बाद में इसको एज ए सेंटर ऑपरेट करेंगे, ताकि बाहर के लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। इनको सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हर फी का, हर कोर्स का अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसमें 50 घंटे का भी कोर्स है, 100 का भी है, 150 का भी है, और उसी हिसाब से जो उनकी फ़ीस है वो भी CBSE ने ही तय करी है, ताकि उनको पढ़ाया जाए अच्छे से और सिखाया जाए। मैं ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ कि ऑनलाइन पे चीज़ें करें, क्योंकि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने काम हाथ से काम करके सीखने में जो काबिलियत पैदा होती है, जो डेवलपमेंट होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि कोई भी इंसान उस कोर्स में आगे से आगे बढ़ के अपनी इज्जत की कमाई कर सके। कौशल्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध करवाए गए विषय है सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बाजारों का परिचय, बैंकिंग और बीमा, परिधान, मल्टीमीडिया, मास मीडिया, स्टीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब एप्लीकेशन, वित्तीय बाजार प्रबंधन, बैंकिंग, डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन और मार्केटिंग। स्किल हब में अपनाए जाने वाले प्रशिक्षण के तरीके 100% तक कक्षा आधारित ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से होंगे। सिद्धांत और व्यवहारिक कक्षाओं के संचालन के लिए योग्य कौशल प्रशिक्षकों और योग्य मौजूदा शिक्षकों को स्कूल द्वारा तैनात किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पाठ्यक्रम में उल्लेखित न्यूनतम योग्यता वाला कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, किंतु स्थानीय समुदाय में रहने वाले शिक्षकार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्किल हब स्कूल और आसपास के निकटतम स्कूल दोनों से उम्मीदवारों को नामांकित कर सकते हैं। वयस्क शिक्षकार्थी, युवा, स्कूल के छात्र, स्कूल छोड़ने वाले और शिक्षा से बाहर के उम्मीदवार जो उच्च स्तर के कौशल्य प्राप्त करना चाहते हैं और स्कूल के आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं, लक्षित लाभार्थी होंगे। स्किल हब में छात्रों का मूल्यांकन CBSE द्वारा कराया जाएगा।
150 घंटे से कम के कोर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन भी कराया जाएगा। 150 घंटे से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक तिमाही में CBSE द्वारा बाहरी एक्सेसर के माध्यम से व्यवहारिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रशिक्षण के सफल समापन पर CBSE द्वारा स्किल इंडिया के प्रतीक चिन्ह लोगो वाला प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और स्वयं का उद्योग आरंभ करने तथा इस प्रकार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगों के साथ विशिष्ट समझेदारी विकसित की जाएगी। इस पत्र परिषद के दौरान निदेशिका नीरू कपई, प्रधाचार्य रूपाली डे, प्रबंधक रोहन कपई और मुख्याध्यापिका आशा देशराज प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।